तो आपका पहला सवाल है कि दल बदल संबंधी प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है। दल बदल प्रावधान है जो संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है, तो आपको याद रखना है यह वर्णित है 10वीं अनुसूची में। तो दोस्तों आपको 25% दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने परसेंट सही किए हैं वो हमें जल्दी जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। इसलिए मैं प्रश्न पढ़ूं, उससे पहले आप उत्तर तैयार रखें, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला सवाल है कि शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। शासन की संसदीय प्रणाली है जो किस देश से ली गई है, तो आपको याद रखना है वह ली गई है ब्रिटेन से। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है, तो आपको याद रखना है यह ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में आपात उपलब्ध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में आपात उपलब्ध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपको याद रखना है यह लिया गया है जर्मनी से। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के लिए लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो अगला सवाल है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो आपको याद रखना है यह लिए गए आयरलैंड से। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि मौलिक कर्तव्यों को किस देश से ग्रहण किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को किस देश से ग्रहण किया गया है, तो आपको याद रखना है यह किया गया है सोवियत रूस से है, ठीक है, सोवियत संघ रूस से ग्रहण किया गया किसको, मौलिक कर्तव्य को। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि संविधान संशोधन की प्रणाली किस देश से प्रेरित है। संविधान संशोधन की प्रणाली है जो किस देश से प्रेरित है, तो आपको याद रखना है यह प्रेरित है दक्षिण अफ्रीका से। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता समता बंधुत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता समता बंधुत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो आपको याद रखना है यह प्रेरित है फ्रांस देश से। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो आपको याद रखना है यह लिया गया है ब्रिटेन से। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है, तो आपको याद रखना है यह किया गया है जापान से, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है ये कहा जाता है प्रस्तावना को। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। भारतीय संविधान में किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है, तो आपको याद रखना है यह उल्लेख है भाग 2 में। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है, तो आपको याद रखना है यह प्रावधान है एकल नागरिकता का। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारतीय संविधान में किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो आपको याद रखना है भाग 3 में वर्णन है, ठीक है, किसका, मौलिक अधिकारों का। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, मौलिक अधिकारों को। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना है वो है 6, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना है यह संख्या है 11, ठीक है। तो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य अलग है, ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कितनी समयावधि के लिए होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कितनी समयावधि के लिए होता है, तो आपको याद रखना है 5 वर्ष के लिए। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको याद रखना है यह करता है राष्ट्रपति। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है भारत में वित्तीय आपात कितनी बार लगाया गया है। भारत में वित्तीय आपात कितनी बार लगाया गया है, तो आपको याद रखना है
कभी नहीं, ठीक है, कभी नहीं लगाया गया है। कौन सा आपात? वित्तीय आपात। अगला देखते हैं, अगला सवाल है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार क्या है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार क्या है? तो आपको याद रखना है, यह आधार है युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, ये सभी, ठीक है, ये सभी है जो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला सवाल है कि भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लागू किया गया है। भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लागू किया गया है? तो आपको याद रखना है, यह किया गया है 3 बार, ठीक है, 3 बार आपातकाल लागू किया गया, कब, कहाँ पर, भारत में। अगला देखते हैं, तो अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का अंग है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का अंग है? तो आपको याद रखना है ये सभी, ठीक है, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, ये तीनों है जो भारतीय संसद का अंग है। अगला देखते हैं, अगला सवाल है कि भारत में सर्वाधिक समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री है। भारत में सर्वाधिक समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री है तो कौन है? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला सवाल है कि किस सभा का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। किस सभा का अध्यक्ष है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो आपको याद रखना है वो है राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा का अध्यक्ष है जो उस सदन का अध्यक्ष सदस्य नहीं हो सकता है। तो दोस्तों आपको 25% दिए गए, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।